हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सभी तरीके के जॉब रिक्वायरमेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आए हुए वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उसमें वेरियस डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो क्या रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो टोटल 13 पेज का है। 13 पेज में पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ मेंशन कर दिया गया है, जिसे समझने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ से आया हुआ है। ये जो आया हुआ है, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। नोटिफिकेशन को रिलीज़ करने का जो डेट है वो 19 सितंबर 2023 को रिलीज़ कर दिया गया था, और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 18 अक्टूबर का डेट रखा गया है। 18 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है। 18 अक्टूबर से पहले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहां से एप्लीकेशन करने के लिए। यहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.svpuat.edu.in, यहां पर ही आप विजिट करेंगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएँ। तो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और किस कैटेगरी से एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फ्रूट साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वेजिटेबल साइंस के लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। प्लांट प्रोटेक्शन एटेमोलॉजी में यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में यहाँ पर एक पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं नेचर रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्वायरमेंटल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर एक सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें प्लांट माइक्रोबायोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एक पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। बेसिक साइंस, जिसमें बायोकेमिस्ट्री आता है, इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एक सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, उसी में बेसिक साइंस। स्टैटिक्स के लिए अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट रखा गया है। वहीं सोशल साइंस इंग्लिश के लिए यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं कॉलेज ऑफ पोस्ट हॉर्वेन टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी में दो सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में दो सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फूड प्लांट ऑपरेशन में यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डायरी टेक्नोलॉजी में यहाँ पर दो सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डायरी इंजीनियरिंग में दो सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डायरी केमिस्ट्री में यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फूड माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डायरी बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फूड बिजनेस मैनेजमेंट में भी एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं मैथमेटिक्स में यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से फर्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में यहाँ पर दो सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। सोल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पर एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। एरीगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में यहाँ पर एक सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। रेन्यूएबल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग में एक सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में दो सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें हैं। केमिकल इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में इसमें 2 सीटें हैं। फिजिक्स में 1 सीटें हैं। केमिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं एग्रीकल्चर बायो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 1 सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। बेसिक साइंस एंड इंग्लिश में 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी में 1 सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वेटरिनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वेटरिनरी बायो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वेटरिनरी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी वेटरिनरी फिजियोलॉजी के लिए यहाँ पर 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कुल टोटल यहाँ पर अगर बात करें तो 54 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, जिसमें जनरल के लिए 22 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। EWS के लिए 5 सीटें हैं। OBC के लिए 14 और SC के लिए यहाँ पर SC ST के लिए 13 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पर जो आप लोगों को पे स्केल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें जो लेबल है वो 10 लेबल पे रहेगा, जिसमें आप लोगों को 57,700 रुपये से सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है उसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर A1, A2, A3 करके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो अगर आप इस सीरियल नंबर्स के तो अगर आप इस सीरियल नंबर के किसी सब्जेक्ट में अप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है उसमें 2 चीज़ें मेन मांगी गई है, ए और बी करके। ए में जो है आपका मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। वहीं आप लोगों को UGC, CSIR, ICMR या इससे रिलेटेड किसी भी इसके बराबर की कोई सब्जेक्ट कोई सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होने ज़रूरी हैं, या फिर जैसे कि UGC स्लेट या सेट के सर्टिफिकेट के साथ आप लोगों के पास PhD की जो डिग्री है वो होनी ज़रूरी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। कौन कौन से स्टूडेंट को? ऐसे स्टूडेंट जो बैकवर्ड कैटेगरीज़ को हों या शेड्यूल कास्ट हों या शेड्यूल ट्रिबल कास्ट के कैंडिडेट हों, उनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो PhD होल्डर रहेंगे उनको भी 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS OBC से अगर आप हैं तो आपको 1500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। SC ST को यहाँ पर 750 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस देना है। यही फ़ीस जो है वो PWD के कैटेगरीज वालों को भी पे करना पड़ेगा। तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये मेरठ में इस्टेब्लिश्ड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका जो लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2023, उससे पहले फॉर्म को फिलअप कर लें। तो इस तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।